और इस समय हैं BHU IIT, मतलब IIT BHU के हॉस्टल में हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ का मेस कैसा है भाई? खाली वार्ड में पता लग जाएगा, बहुत तगड़ा है। अबे बताना इसे खा, बहुत तगड़ा, मतलब खाना तुम्हारी प्लेट छोटी पड़ जाएगी सामान रखते रखते उसमें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे एक चैनल के नए और ब्लॉग में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बहुत सारे काम करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी लेट में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पापा को घर के बाहर थोड़ा जाना था किसी काम से लिए, थोड़ा दूर जाना था, और घर पर भी कोई है नहीं, सिर्फ चाचा ही हैं। तो वो मतलब हमें बता दें कि हाँ भाई घर पर जाके ये सब काम देखना है, तो उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिल पाया। मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, तो थोड़ा मम्मी भी आराम करनी है, मतलब कल से उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो भी अपना आराम करिए। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं मिला, अभी हम सीधे किचन में आए हैं नहा धो के एकदम बढ़िया से, कि भाई अब तो कुछ खाने को मिलेगा। लगे खाने में अभी सिर्फ सब्जी और रोटी है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट फ्रिज खोलेंगे, टमाटर रखा हुआ है, खीरा रखा हुआ है, सलाद वलाद काटेंगे, आराम से खाएंगे, उसके बाद घर पहुँचेंगे। वहाँ पर घर पर बहुत सारे काम देखना है, फर्दर व्लॉग को आगे कंटिन्यू रखते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम घर पे आए हुए हैं, और यहाँ पे वो जो पॉट आपको कल हम बता रहे थे, तो वो टोटल जो पॉट है वो 6x6 फीट का पॉट है और स्क्वायर का पॉट है। और वो दोस्तों यहाँ पे 25-30 साल से यूज़ हुआ नहीं है, तो अब उसमें जितनी भी सारी जो चीज़ें हैं वो सब मतलब दब चुकी हैं। कल वहाँ पे मैनुअली भी साफ़ हुआ था, बट उतना ज़्यादा साफ़ हो नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर तो कोई घुसेगा नहीं। फिर बाहर से वो बाल्टी उल्टी डाला और जितना निकल गया निकल गया। बट दोस्तों अभी दिक्कत ये आ गई कि उसके अंदर अभी भी मतलब सब कुछ निकलने के बावजूद, जब सब कल काम हो गया उसके बावजूद भी 2 फीट तक पूरा वहाँ पर मलबा रखा हुआ है। तो अभी दिक्कत वहाँ पर आई है, अब बात वत किया गया है सबसे, आर्किटेक्चर वगैरह से अपना दिमाग में लगाया गया, तो फिर ये सोचा गया कि अब वो तो निकलेगा नहीं, तो भाई वहाँ पे जो अद्धा तो होता है वही सब डालेंगे, फिर वहाँ पर उसको देखना है। फिलहाल दोस्तों अभी क्या है, वही आगे का पॉट का काम चल रहा है, और हम लोग का टाइप बीम लग चुका है, ये देख सकते हैं। तो ये अभी ग्राउंड फ्लोर से ये टाइप बीम हम लोग का लग चुका है, और ये पूरा पीछे हीटर रखा हुआ यहीं पे काम चल रहा था, अभी कल सूख जाएगा किसका, क्योंकि वो पॉट वाला जो है वो भी दिक्कत फंस रहा है, क्योंकि जो सबसे घर का जो सबसे आगे का फ्रंट दो पिलर है वो उसी पे डिपेंडेड है, तो भाई उसका बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी उस अभी काम वहाँ पर चल रहा है। सारे दोस्तों अभी यार शाम के 5 बज रहे हैं, और बस अभी काम ख़त्म ख़त्म होने वाला है, और अभी तो सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मंदिर आके बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वो गड्ढा पूरा भर रहा है, तो उस पर मलबा गिर रहा है, तो बहुत सारे धूल उड़ रहे हैं, वहाँ पर तक खड़ा होना भी सही नहीं है, मतलब सब लोग अपना काम कर रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, बट हमको तो नीचे रहना पड़ता है। आवाज़ आ रही है, तो वही मलबा भर आ रहा है अभी, तो इसकी वजह से दोस्तों अभी हम यहाँ रूम में के बैठे हुए हैं। और अभी दिक्कत क्या है कि तो बोला यहाँ पर पंप भी चल रहा है, और पानी वानी उस वजह से जा रहा है। अभी देखो यार ये सीमेंट वगैरह भी रखा हुआ है सारा, और वहाँ पर वो लोहे काटने वाली की मशीन होती है वो सब भी है। यार अभी आज का तो दिन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला था, कि आज पापा भी थोड़ा सा गए हैं वहाँ पे अपने काम से, कहीं थोड़ा दूर गए, मतलब वो 10-20 किलोमीटर दूर गए हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 25 किलोमीटर मान लीजिए, तो 50 किलोमीटर। तो वो यार अभी सारा काम हमें ही देखना है, चाचा भी हैं लेकिन हम भी हैं, सारा काम हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि घर में कोई और भी होना चाहिए, तो अभी बहुत भूख भी लगी है यार। सुबह 1 बजे का ये खाना खाए हैं, बस 3 रोटी खाए थे, बस भूख भी लगी है, तो अभी ये इन लोग का सारा काम हो जाएगा, सारे पैसे वैसे का हिसाब भी देखना है, और उसके बाद सब कुछ देखने के बाद घर पहुँचेंगे, फिर आगे वो लोग कंटिन्यू रखेंगे। फाइनल दोस्तों इस समय हम आए हैं एमटेक के हॉस्टल में, और इस समय हैं BHU IIT, मतलब IIT BHU के हॉस्टल में हैं, और भाई एक नंबर हॉस्टल, मज़ा आ गया। और दोस्तों मेरा दोस्त है अभिषेक यादव, ये देख सकते हैं आप, और दोस्तों ये निकाला है गेट कितना रैंक आया था तुम्हारा? 35-60। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ का मेस कैसा है भाई? खाली वार्ड में पता लग जाएगा, बहुत तगड़ा है। अबे बताना इसे खा, बहुत तगड़ा, मतलब खाना तुम्हारी प्लेट छोटी पड़ जाएगी सामान रखते रखते उसमें, इतने सारे मतलब होते हैं आइटम्स होते हैं कि तुमको प्लेट छोटी पड़ जाएगी रखते रखते। रोज 4-5 सब्जी रोज होती है यहाँ पर, सब्जी रोज होती है, 4-5 सब्जी रोज होती है, पराठे का होते तो 3-4 तरीके के पराठे थे अलग अलग,
अरे भाई साहब भाई, मतलब ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट खाना आईटी मिल चुका है। देख भाई साहब, बस खा के निकल गए वहाँ से बस, और यहाँ पे आए आईटी में एक नंबर। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के ब्लॉग में आप स्टार्टिंग में हॉस्टल देख लीजिए, हम लोग आईटी बीएचयू में आ चुके हैं, हम मेरा दोस्त है, रात भर यहाँ पे फुल मौज करेंगे और ब्लॉग आपको कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मेरा भाई बोला है कि जो यहाँ का मेस खाना है बहुत प्यारा है, और एक्चुअल मैच जो है वो अभी से स्टार्ट नहीं है, वो 1 तारीख से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लगातार चल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चलेंगे मैच में और खाना ट्राई करेंगे और आपको रिव्यू देंगे कि यहाँ पे आईआईटी बीएचयू के एमटेक का हॉस्टल खाना कैसा है। और यहाँ पे सुनने में दो मैच चलती है, यहाँ पे टोटल 2 मैच भी है दोस्तों, बहुत बेहतरीन, चल के दिखाएंगे और मजा आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अभी बारिश हो रही है आईआईटी कैंपस में बीच चुके, और यहाँ पे हम लोग चाय, ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ घूमेंगे, उसके बाद रात भर यहाँ पे कैंपस में घूमेंगे हम लोग। तो हेलो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी ली है और अभी इस समय बीच चुके कैंपस में घूम रहे हैं। और अभी यहाँ पे पूरा प्लान है भाई कि मतलब ऐसे रात में 12 बजे तक रुकना है यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे डिशेज हैं सबको ट्राई करना है। इसके अलावा यहाँ पे जितना अच्छा कैंपस है वो भी आपको अच्छे से वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस समय यहाँ का मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बस उम्मीद है कि बारिश ना हो। ये देखिए यहाँ पे कैंपस में घूम रहे हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिश वगैरह भी हो रही है। और यहाँ का हॉस्टल देखिए, तो हॉस्टल बना रखा है कितने फ्लोर का था, 6 फ्लोर का था, 7 फ्लोर, 7 फ्लोर का यहाँ पे हॉस्टल बना रखा है। मेरा हॉस्टल तो 3 फ्लोर का था, उसी में से निपट गया था। ये देखो ये है कैंपस, प्यारा सा एकदम। तो दोस्तों अभी क्या है कि एक दोस्त को छोड़ने जाना है, जो मेरा दोस्त है उसका एक रूममेट है, तो वो भी घर जा रहा है, उसको छोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे हैदराबादी गेट पर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसका गेट है, और अभी यहाँ से वो ऑटो ऑटो लेगा, कुछ सामान वगैरह लेंगे और अभी जाएंगे कैंपस में, और वहाँ पे इरादा है आज कैफेटेरिया में कुछ खाने वगैरह। तो दोस्तों अभी हम लोग हैदराबादी गेट से जब बीएचयू गेट में एंट्री किए, तो वहाँ पे भाई दो लोग खड़े थे अपने साथ, वो रेस्टोरेंट का एडवर्ट कर रहे थे, तो वहाँ कूपन दिए कल का वहाँ पे खाना फ्री, और उसके बाद क्या 26 से 26 मतलब 26 जुलाई 26 अगस्त 40% ऑफ का वहाँ पे दिए हैं। तो क्या अभिषेक कल चलने का मन है कि नहीं? बिल्कुल भाई कल चल रहा है, मतलब हॉस्टल में इतना अच्छा खाना बन रहा है, 3 तरह का पराठा इनको मिल रहा है सुबह के नाश्ते में, फिर भी नहीं जाना है। देखो ये है अभिषेक भैया, चलो दोस्तों। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हॉस्टल में रुके हुए हैं, और अभी थोड़ा ये प्लान है कि फ़ोन की बैटरी बहुत डाउन है, और अभी ऐसा क्या है कि बारिश वगैरह भी हो रही है, तो हॉस्टल में रुके हैं, थोड़ा फ़ोन चार्ज करेंगे। देखो सो है वही, क्या लिया क्या है भैया हाथ में भाई? जब तुम्हारा रूममेट रात को 3 बजे तक पढ़ता है ना, ये लगा के सोना पड़ता है। हाँ भाई ये सब जो चीज़ें होती है पढ़ने वाले बच्चों के पास होती है। मस्त आराम से सो, लाइट का पता नहीं। देखो सही है भाई, और अभी देखो इनके रूम में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। देखो एक ये ऑब्वियस है, और हॉस्टल मिलता है, मिनिमम कर दिया क्या इसको, मैक्सिमम करो भाई, मेरा नहीं है, मेरे घर वाले देखेंगे तो चिल्लाएंगे। ये अभिषेक के रूम में मिला बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सब कर लेंगे, फिर फ़ोन थोड़ा फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाए, 50% हो जाए, फिर चलेंगे। कहाँ चलेंगे अभिषेक, या फिर उसके बाद ग्राउंड साइड चलते हैं, वीटी चलते हैं रात में, रात में वीटी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसका कैंपस पूरा, और अभी दोस्तों ऐसा है कि थोड़ा जाते हैं वहाँ पे कैफेटेरिया नीचे मेस में, वहाँ पैसे वैसे दे के कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर आज रात भर लाइफ इन IIT BHU। दोस्तों अभी हम इस समय कितने बज रहे हैं, रात के 9:30 बज रहे हैं, और मैं इसमें गए थे खाना खाने। तो अभी क्या है कि यहाँ पे कुछ दिनों तक वो पैसा लग रहा है, तो कितना लगा है दो लोग का? 50 रुपये लगा है। तो ये अभिषेक है, पर्सन 50 रुपये लगा, और हम लोग 100 रुपये देकर आए, और मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा खाना। और अब कितनी रोटी खाए तुम भाई? मैं 6 रोटी खा गया। और क्या खाए? वेट गेन करना है, मैं जिम जा रहा हूँ। अच्छा, और क्या खाए तुम? और भाई सब कुछ था, मतलब बताया ना प्लेट छोटी पड़ जाती है यहाँ पे। सही में दोस्तों हम वहाँ पे गए, ये 6 रोटी खाया, हम 3 रोटी खाए,
और इतनी प्यारी रोटी, मतलब हम लोग बहुत लेट में गए थे यार, बहुत लेट में गए, उसमें बंद होने वाली थी हाँ, और उसके बाद भी रोटी एकदम बहुत अच्छी और घी लगा के एक नंबर रोटी है। और ये थे एक तो सूखी सब्जी थी, चार थी, चार तरीके की सब्जी थी, चार तरह की सब्जी थी, ये तो आलू मटर की सब्जी लिया और हम लिए थे सूखी सब्जी। और ये खाना खाने के मामले में आईटीबीएचयू बेस्ट है, खाने के मामले में कोई कंपेयर नहीं कहीं से भी। और यहाँ बता रहे हैं तो खाना इतना बढ़िया मिलता है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग उनका पक्का पेट बढ़ जाएगा सच में। दोस्तों यहाँ पे दो तरह का चावल था, एक सादा चावल था और एक चावल मूंगफली का था, थोड़ा फ्राई हुआ था, वो चावल ख़त्म हो गया था बट हम लोग बोले तो चावल वापस भी आ गया, मतलब इतना प्यारा। और लास्ट में एक मिठाई मिली और पनीर की सब्जी थी जो कि आलू प्याज के साथ थोड़ा सा उसका ग्रेवी बनाया गया था। मैं हफ्ते में चार दिन यहाँ पनीर मिल जाएगा, फिर अभी तो सावन चल रहा है, सावन जैसे ही खत्म होता है फिर तो मैं हफ्ते में करीब तीन चार दिन चिकन भी मिलेगा। और यहाँ की कॉस्ट जो है पर थाली वो 50 रुपये ही पड़ती है, चाहे तुम कितना भी खाओ कुछ भी करो, और अभी तो ज़्यादा पड़ रही है, इसके बाद तुम्हें जो पड़ेगा पर मील वो और भी कम हो जाएगा, वो पर मंथ 2000 रुपीज़ रहेगा सर, और 2000 रुपये में भाई तुम्हें कहीं खाना इस लेवल का खाना नहीं मिलने वाला। सही में दोस्तों, मतलब इतना ज़्यादा प्यारा खाना कि हम अपने हॉस्टल के खाने को देंगे 1 स्टार और यहाँ खाने को देंगे 5 स्टार, मतलब इतना ज़्यादा प्यारा खाना एक नंबर। तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको हम बोले थे कि आज IIT BHU का पूरा कैंपस देखेंगे, हॉस्टल वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ जो कैंटीन है जो रात में 3 बजे तक खुली रहती है वहाँ भी जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सारा काम था और रात में 4 बजे सोने का प्लान था और फिर उसके बाद घर पे आने का प्लान था, और लेकिन दोस्तों से कुछ हो नहीं पाया क्योंकि कंपनी का एक काम था जो कि हमसे छूट गया था और उसे रातों रात उसे करना था, मतलब कि कल हो जाएगा, मतलब कि जो डेट है वो डेडलाइन है उसे क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो वो काम हमको करना था। इस वजह से दोस्तों हमको रात में घर पे आना पड़ा, रात को 11 बजे ही वहाँ से हम ई रिक्शा किए, लग बाई चांस वहाँ से ई रिक्शा मिल गई, वो आई और ई रिक्शा के साथ आए। फिर उसमें क्या हुआ कि जो लंका गेट था वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक व्रैफिक हो गया था, क्योंकि रात में जो होती है BHU गेट होती बंद हो जाती है वो, तो वहाँ थोड़ा ट्रैफिक सा हो गया था, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत भी हो गई, ई रिक्शा लग रहा था भाई आप उधर उधर जाओ ये कर दो कर दो, भाई उधर भी थोड़ा दिक्कत हुआ। तो रात में 11 बजे चढ़े और 12 बजे अपने घर पे आए, कंपनी का काम किए, फिर उसके बाद ब्लॉग एडिट किए और अभी दोस्तों पूरा ब्लॉग को फाइनलाइज कर रहे हैं, काम बहुत सारा होता है और इसमें बचे रहे रात के 3, और पूरा एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद अभी 3:30-4 बजे तक पूरा सब काम हो जाएगा, उसके बाद सोएंगे, फिर सुबह हमको 8:30 बजे उठना है, कंपनी का काम भी करना है 9 बजे से। दोस्तों ये था आज का वीडियो, और जो BHU IIT का जो कैंपस है जो कि मैं कवर नहीं कर पाया वो बहुत जल्दी कवर होगा, क्योंकि मेरा दोस्त वहीं पर रह रहा है तो उसको कैंपस से बाहर बुला देंगे और दिन के टाइम से कवर अप करेंगे, क्योंकि रात में वो जो फुटेज क्वालिटी वो नहीं आ पा रही है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सो देन गुड बाय एंड टेक केयर।